हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है हितेश मिश्रा, सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है? सब कुछ ओके? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? और उम्मीद करते हैं आप लोग जो है मस्त तरीके से घर में होंगे, पढ़ रहे होंगे, और हम भी आपके सामने आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके। रोज़ आ जाते हैं। आप लोग बोलते होंगे कि सर लोगों को कोई काम नहीं है, लेकिन काम तो यही है कि आप लोगों को अच्छा रास्ते पर ले जाएँ। और आकांक्षा मैम से जानना चाहेंगे कि कोटेशन जो मैम आपने बनाया है इसका क्या उद्देश्य है? सर बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, आपकी जो जीत और हार होती है वो आपके ऊपर निर्भर होती है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो तो आप बिल्कुल जीत जाओगे। सही गाइडेंस अगर आपको मिलती है, अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है तो आप जीत जाओगे। ठान लेना है, बस अपना गोल डिसाइड कर लेना है और उसके लिए प्रोग्रेस करनी है, उसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी है। और अगर आप मान लोगे कि आप हार गए हो तो फिर हार ही हो जाएगी, क्योंकि जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं हम लोग, दवाई लेते हैं, अगर हमको उस पर यकीन होता है डॉक्टर पे तभी हम सही हो पाते ना, ऐसी हमको अपनी पढ़ाई पे, अपने विश्वास पे यकीन होना चाहिए सर। बिल्कुल। तो नमन सर, बच्चों का जो सपना है CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, MTS, JEE, ये लोग बहुत हताश हो गए हैं। और कभी कुछ न्यूज़ सुन लेते हैं, कभी कुछ सुन लेते हैं कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। तो क्या बोलना चाहेंगे आप, मतलब बच्चों को क्या दिलासा हम लोग दे सकते हैं? कुछ लोग ये चैलेंज करते हैं कि एग्ज़ाम 2 महीने के अंदर हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 महीने लॉकडाउन ही नहीं छूटेगा। तो क्या हो सकता है मतलब? सर पहले चीज मैं बताऊंगा कि जितने लोग भी बोलते हैं एग्जाम 2 महीने के अंदर हो जाएगा या 2 साल में नहीं होगा एक्सरसाइज है, तो हमें पहले र्यूमर्स पे नहीं उड़ना चाहिए। बिल्कुल सर आप या मैं हम उस डिपार्टमेंट में नहीं बैठे हैं, उस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा चीजों को जानते हैं। उन्हें भी पता है कि अगर मैं 2 महीने या 1 साल या 2 साल पेपर नहीं करूंगा तो कितनी बुरी स्थिति हो जाएगी। तो पहली चीज तो ये निगेटिविटी हटा दो कि पेपर 1 साल नहीं होगा। सर कई सारे र्यूमर्स आ रहे हैं, मेरे ग्रुप में भी आ रहे हैं कि पेपर 1 साल नहीं होगा। भाई किसने कह दिया पेपर 1 साल नहीं होगा या 2 साल नहीं होगा? आपको और पैसे अपना बहस देना है। सर एक हाँ चीज़ सर मैं बोलना चाहूँगा, रोकना चाहूँगा बीच में, क्योंकि अभी 2 दिन 3 दिन से अमित शाह के बीमार होने की अफवाह उड़ रही थी। आज 4 लोग गुजरात में गिरफ्तार हुए हैं। और हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ भी आता है उसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं। बीच में एक वो हुआ था, इटली का एक डॉक्टर कपल है, एक दूसरे से मिले नहीं हाँ अंतिम में मिलके और मर गए, ऐसा कुछ था नहीं। वो रोमांस का पल था उनका कहीं का। वो बच्चों ने मतलब किसी ने कोरोना के लिए डाला तो वो फेमस हो गया। कहने का मतलब ये है कि हम लोग उसका तथ्य पे जाते नहीं, अफवाहों पे उड़ते हैं। तो वही बोलते हैं कौवा उड़ गया तुम्हारा कान लेके, तो हम कौवा ही देख रहे हैं, कान नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज ये काम नहीं करें। कोई भी चीज़ आपके पास आ रहा है तो उसको तुरंत फॉरवर्ड नहीं कर दें, उसको इग्नोर करना सीखें। इस पर हमने देखा आज विराट कोहली, जो सारा अली खान और भी बहुत सारे लोग इस पर अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को। एक हैशटैग भी चलाया है ट्विटर पर उन्होंने, डोंट फॉरवर्ड। तो प्लीज इस बात को समझिए कि र्यूमर्स आपका करियर बर्बाद कर देगा। फालतू की चीज़ें अगर आप इधर उधर करते हो, ज़्यादा आप इधर उधर मतलब जानकारी फैलाने में जुटे हो, तो आपके लिए आफत हो जाएगा। तो इस बात को पहले समझिए आप। जी नमन सर। सर इस बात से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक गलत बात तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर सकती है। एक गलत चीज, एक निगेटिव चीज तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर सकती है। तो निगेटिव चीज को दिमाग में मत बैठने दो, ना खुद बैठने दो, ना खुद फॉरवर्ड करो अंटिल और अनलेस जब तक एक ऑथेंटिक न्यूज। देखो ऑथेंटिक न्यूज कहाँ से मिलती है? SSC की साइट है, SSC.NIC.IN। मैं XYZ, आपका कोई भी फैकल्टी अगर कोई भी न्यूज ला रहा है SSC को लेके, तो वो ऑथेंटिक वहीं से होती है जब उसका नोटिफिकेशन आता है। अगर उसके अलावा हम लोग लेके आ रहे हैं, कोई भी लेके आ रहा है, तो उसका मतलब वो कुछ ना कुछ अफवाह फैला रहा है। मैं भी हूँ, मैंने आज तक जितने भी नोटिफिकेशन करे हैं SSC के, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने बेस पे करे हैं, और वो बेस रहता है SSC.NIC.IN, जो कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है सर। बिल्कुल। तो ये जो CGL, CHSL, CPO, स्टीनो, MTS या JEE, इनका जो आपका सपना है, इनको क्वालिफाई करने का जो आपका सपना है, ये ऐसे ही तो पूरा होगा नहीं। आपके घर में बैठने से होगा नहीं। मैं बहुत मोटा हूँ, मैं जब तक जिम जाऊँगा नहीं, वर्कआउट करूँगा नहीं, तो फिर मैं पतला हो नहीं सकता, मेरा फिटनेस आ नहीं सकता। तो हर काम को करने के पीछे एक काम आपको करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, बिना उसके कोई उपाय नहीं है। किसान अगर खेत में ना जाए, हल ना चलाए, बीज ना बोएं, पानी नहीं दें, तो फल किसान जो है फसल काटेंगे नहीं और हम तक वो पहुंचेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ एक प्रोसेस के साथ ही चलता है। आप कोई भी पौधा लगाते हो, आप मान लो खीरा का पौधा लगा, मतलब वो लगाया आपने, बीज डाला, फिर उसमें पौधा हुआ, बहुत खुश होते हैं आप, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसमें जब फूल आता है, फिर उसमें खीरा फलता है, तो आपको लगता है यार मैंने कुछ किया था और ये मेरा अब फलने लगा है। तो वही चीज़ होगा आपके लाइफ के साथ भी, आपको प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा। आपको लाइफ में एक साथ कुछ नहीं मिलता है। आप कभी भी एक सीढ़ी देखते हैं तो पहले पाँव रखा, फिर आगे आगे आगे, ऐसा ऐसा तो नहीं उछल के पहुंच भी जाओगे, उछल के तो फिर दिक्कत होगी। जल्दी कोई चीज़ पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो ये चीज़ भी
आपको परेशानी में डाल देता है। कल परसों एक बात में पढ़ रहा था कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार सेटिंग ही हो जाता है, मेरे पढ़ने से क्या होगा, मेरिट में तो आ ही नहीं पाएंगे हम। ये आप पहले नेगेटिव हो जाते हो, आपको पॉजिटिव हमेशा रहना है। आपके लाइफ में आपसे बड़ा पॉजिटिविटी किसी के अंदर नहीं है। हम किसी प्रॉब्लम को जब देखते हैं, अगर वो हम पे हावी हो रहा है और हम डरते जा रहे हैं, तो फिर वो और बड़ा होते जाएगा और हम छोटे होते जाएंगे। लेकिन अगर हम बड़े हो गए तो ये प्रॉब्लम फिर छोटा हो जाएगा, फिर हम उस पर हावी हो जाएंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। आगे चलते हैं नमन सर के साथ कि सर, नमन सर, ये जो बैच स्टार्ट हुआ है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से हम लोग बच्चों को इसमें देने वाले हैं और क्या क्या देने वाले हैं? सर आप ये पूछो कि हम क्या नहीं देने वाले हैं, मतलब क्या देने वाले हैं, तो सब कुछ ही देने वाले हैं। हम क्या नहीं देने वाले, मुझे कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला। हम यहाँ पे जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है मैथ्स और इंग्लिश कि मैथ्स इंग्लिश कहाँ से पढ़ा। देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आकांक्षा मैम है। ये नहीं कह रहा रोहित सर और हितेश सर नहीं पढ़ा रहे, वो भी पढ़ा रहे, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश एक ऐसे सब्जेक्ट है। मैं आपने बताऊँ, मैं खुद इंग्लिश से बहुत डरता हूँ, ठीक है, मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन उस टाइम में मुझे मैम नहीं मिली, वरना मैं मैम से पढ़ लेता। तो दोस्त मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको मैथ से प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, आपको सारा कुछ दिया जाएगा, पीडीएफ दी जाएगी, डाउट सेशन लिए जाएंगे। मतलब मैंने यही कहा कि आपको क्या नई चीज मिलेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको सारी चीजें मिल रही हैं अंडर वन प्लेटफॉर्म फॉर यूजिंग आवर कोड SSCI। सर बिल्कुल, तो आकांक्षा मैम भी क्लास ले रही हैं और आप भी ले रहे हैं सर, तो बच्चों का रिस्पांस अच्छा ही है। और मैंने भी क्लास लिया, मैंने तो एक छोटा सा कोर्स शुरू कर दिया था, मुझे लगा 15 से बच्चे बहुत ज्यादा लेट समझ रहे हैं, तो मैंने 8 से ही बैच ला दिया, और दोबारा उस चीज को मैं पढ़ाऊंगा जो 15 से बैच ला रहे हैं, लेकिन मैंने 8 से भी बैच दे दिया, तो मैंने डबल धमाका दिया आपको। और मैं ये कोशिश करता हूँ, या नमन सर कोशिश करते हैं, आकांक्षा मैम कोशिश करती है कि हर सप्ताह 10 दिन 15 दिन में हम आपके लिए कुछ नया लेके फिर से आ जाएं। रोहित सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभी क्लास लेके भागे भागे आए हैं, और बहुत ज्यादा सर के पास क्लासेस भी हैं, पर फिर भी SSC के बच्चों के लिए जान लगा रहे हैं। तो रोहित सर से हम जानना चाहेंगे कि सर एक मिनट में ये बात खत्म करें कि GK में इनको किंग आप कैसे बनाएंगे, कैसे GK में हर एक क्वेश्चन ये बना पाएंगे। सर प्रीवियस ईयर पेपर और हमारा जो अनुभव है, दोनों का घालमेल, और आने वाले समय में जो पेपर का रेशियो है, यानी देखें आप पेपर के तरीके सर बिल्कुल बदल गए। पहले स्टैटिक GK होता था, सीधा सीधा प्रश्न होता था, अब क्या है कि बस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो बच्चे सर सीधा सीधा पढ़ने का आदत है, तो बस उसी चीजों से बचाते हुए आपको टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, यानी ज्यादा नहीं भागना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, और कम समय में ज्यादा सिखाने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो सर सही बात बोल रहे हैं। और देखो हमारा और रोहित सर का जो पड़ाव है, वो पहले पड़ाव में हम मैक्सिमम मार्क्स अगर दिलवा देते हैं तो अगले पड़ाव में जाके आपका अच्छा हो पाएगा। मैंने बार बार ये बात आपको कहा है कि 16 में ये CGL की अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड की, तो 137 था, फिर ये 17 में 148 हो गया, और 18-19 में 170 हो गया। तो आपको अगर बढ़िया मेहनत नहीं मिलेगा, आप बढ़िया कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से नहीं जाएंगे, तो फिर आपकी दिक्कत बढ़ने वाली है। तो आपको मैथ्स और इंग्लिश का डर तो नमन सर आकांक्षा मैम निकाल रही हैं, साथ में हम लोग जो है पहले पड़ाव में आपको मैक्सिमम मार्क्स के लिए पढ़ा रहे हैं, तो ये कंप्लीट पैकेज बनेगा। क्योंकि सब्जी तभी तैयार होती है जब उसमें बराबर मात्रा में नमक, हल्दी, मसाला, ऑयल सब कुछ आप डालते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नमक नमक डाल दिया, सबकी बराबर मात्रा में वैल्यू करो पहले पड़ाव में। दूसरे पड़ाव में आपको मैथ्स और इंग्लिश जो है मैम और सर मिलकर पार करवाएंगे, साथ में डिस्क्रिप्टिव भी डिजाइन होगा, बहुत सारा चीज है मैम, ऐसे पे भी क्लास वगैरह लाएंगी, तो आपके लिए हम लोग लगे हुए हैं, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। अब बात करते हैं प्रोसेस की, आपको और भी क्या फायदा होने वाला है, तो 30 सेकंड में मैम इसको अगर ब्रीफ कर देते आप। हाँ सर बिल्कुल, जैसे सबको दिखाई दे रहा है कि सभी विषय मिलेंगे, एक तो सारी चीजें एक जगह मिलेंगी, सारी क्लासेस चाहे वो रीजनिंग की हो, इंग्लिश की, मैथ्स की या GK की, सारी क्लासेस, GS की क्लासेस भी, सब बेसिक टू एडवांस क्लासेस। PDF के लिए आपको अलग अलग टेलीग्राम चैनल पे जाना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह PDF मिल जाएंगी। वो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस होंगे वो पोल के द्वारा होंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस आपको तभी पता चल जाएगी कि आपको कितना आ गया। टाइम मैनेजमेंट पे स्पेशल फोकस, 1 घंटे में 100 सवाल कैसे करने, स्पेसिफिक फोकस ऑन डाउट, डाउट सारे क्लियर होंगे लाइव क्लासेस में भी, और हर तीसरा सेशन जो होगा वो डाउट का रखा जाएगा आपके लिए। नए पैटर्न के क्वेश्चन सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, और 2015 से आगे जितने भी एग्जाम हुए 19 तक सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, इसके लिए आप हमें फॉलो कर लें, जो मेरा नाम है हितेश मिश्रा है, नमन अग्रवाल मैथ्स पढ़ाते हैं आपको, रोहित कुमार GK GS, और आकांक्षा कुमार आपको क्या पढ़ाती हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो फॉलो हमें कर लेंगे तो सारा क्लास आपको मिल जाएगा। नमन सर हम जानना चाहेंगे कि सब्सक्रिप्शन लेने का प्रोसेस पहले तो मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले बच्चे इंस्टॉल करो लर्निंग ऐप, ओपन करो, मोबाइल नंबर भर के लॉगिन करो, इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं
तो आपको अब बोला जाता है कि तुम्हारा गोल क्या है, क्योंकि जीवन में गोल हमारा एक तो होना चाहिए, तो गोल हमारा है क्या, एसएससी एग्ज़ाम, गोल हमारा एसएससी एग्ज़ाम है। गेट सब्सक्रिप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ के बाद अब बात आती है कि भैया गेट सब्सक्रिप्शन कितने दिनों के लिए लेना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको पेमेंट करने की बात आती है कि नहीं। तो जब पेमेंट करने की बात आती है, पैसा देने का बात आता है, तो हम भारत में ह्यूमन नेचर है कि कम से कम में हम चाहते हैं कि चीज़ों को ले लें, लेकिन कहा भी जाता है कम से कम चीज़ों को लेते हैं बार बार लेना पड़ता है। अगर एक बार किसी चीज़ को ठोस रूप से ले लें तो हम, जैसे मान लो फूस का घर हमने बनाया, बहुत सारे हमारा भी घर था पहले फूस का, बार बार उसको छौनी छप्पर करवाना पड़ता है साल में, लेकिन अगर कोई छत बनवा लेता है एक बार पैसा लगा के किसी तरह से जुगाड़ करके, तो निश्चिंतता आ जाती है, साल में अगर पानी वानी आ रहा है तूफान आ रहा है तो उनको डर नहीं होता है कि मेरा घर उड़ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो नमन सर प्लीज़ एलोबोरेट करें इसको कि बच्चों को कितने दिन के लिए जुड़ना चाहिए, क्या फ़ायदा है, कम के दिनों में जुड़े तो क्या नुकसान है, ज़्यादा दिन के लिए जुड़े तो क्या फ़ायदा है, आपके साथ हम भी सर एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बताएं, रोहित सर बताएं, आकांक्षा मैम बताएं। सर मैं कहूंगा अगर आप नए हैं तो आप 2 साल के लिए जुड़ सकते हैं, 2 साल की फीस है 7200 रुपए, रेफरल कोड लेंगे एसएससी एग्जाम दो पड़ेगा हमारा 6480 रुपए का। सबसे बेस्ट फायदा ये है सर, अगर 6480 को मैं 24 से डिवाइड करता हूँ तो 270 रुपए महीना, 30 से डिवाइड करता हूँ 9 रुपए पर डे। सर आप मुझे बताओ 9 रुपए में सर आपको एक दिन का 9 रुपए दे रहे हो अगर आप, ठीक है आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, सारी फैकल्टी मिल रही है, 100 से ज्यादा फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं, साइड टेस्ट भी दे सकते हैं, सर आप 9 रुपए में आप क्या लेंगे ये बताइए सर। बिल्कुल सही बात है आकांक्षा मैम, जब आपने पढ़ाई किया, आपने बहुत सारा डिग्री ले रखा है, तो जब हम लोग ऑफलाइन जाते हैं तो वहाँ पर तो हम लोग फैकल्टी को भी नहीं जानते, हो सकता है कोई आपको पसंद आए नहीं आए, यहाँ पे तो हम आपके सामने साक्षात हैं, आप हमसे पढ़ रहे हो, उसके बाद हम कहते हैं आपको कि आप हमसे जुड़ें। तो क्या आपको क्या लगता है, मीन्स जो हम लोग मतलब जो बच्चों को कह रहे हैं कितने दिनों के लिए जुड़ो और ये फीस बहुत ज़्यादा है या क्या है? सर फीस बहुत कम है, जैसे कई बार बच्चों की ना, जैसे मेरा अपना मैं बताऊं कि जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, मैं इसीलिए गवर्नमेंट जॉब पे नहीं जा पाई क्योंकि जब मैं मैथ्स पढ़ने गई थी ना आपने जिस कोचिंग पे लगाया था, एक सब्जेक्ट तो उन्हें मतलब एक पार्ट तो बहुत अच्छा पढ़ाया परसेंटेज, पर जब उन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करा ना वो नहीं पढ़ा पाए वो सही, तभी मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया मैथ्स में और आज तक मुझे मैथ्स नहीं आती इसी वजह से। तो हम लोग पैसा भी देते हैं ऑफलाइन में, ज़्यादा पैसा देते हैं उस टाइम, मतलब मैं ये बता रही हूँ आपको 2012-13 की बात बता रही हूँ ये, तब उस टाइम पे मैंने 7000 रुपये केवल मैथ्स पढ़ने के दिए थे और उसमें भी टीचर ने मुझे सही से नहीं पढ़ाया, और पढ़ाया होता अगर सही से, अगर इतने सारे टीचर्स मुझे मिले होते तो मैं आज कहीं सरकारी नौकरी पे होती जरूर। बिल्कुल, और मैं बैंक की नौकरी बार बार ये बात कहता हूँ कि आपको प्राइवेट में रोज प्रूफ करना पड़ता है, सरकारी में एक दिन प्रूफ करना पड़ता है, आप इस बात को समझिए, ये हमारा एक्सपीरियंस कह रहे हैं। रोहित सर आपने भी पीसीएस का तैयारी किया सर, मतलब उस समय भी आपने बताया था कुछ दिन पहले, मैं फिर से जानना चाहूंगा कि सर फीस जो हम लोग ले रहे हैं क्या बहुत ज्यादा है 2 साल का या 1 साल का? सर मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कहता हूं कि सर 2012-13 में मैं जुड़ा था मुखर्जी नगर में, उस समय सर 2.5 लाख रुपया दिया था केवल प्री मेंस को लेके पढ़ने के लिए। अब सोचिए आज से 7-8 साल पहले की बात है, और सर हम लोग कह रहे हैं कि साल भर जुड़ेंगे आपके साथ मात्र 5400 रुपया, यानी 5400 रुपया। जैसे कि नमन सर तो और तोड़ के कह दिए कि मात्र 9 रुपया में आप चाय पीने के लिए जाते हो, 10 रुपया का चाय मिलता है, आप यहाँ 9 रुपया में मैथ, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश सब कुछ कंप्लीट प्री और मेंस, और साथ ही साथ 3 लेक्चर के बाद एक डाउट सेशन, यानी हम जो पढ़ाएंगे आपको आप घर में पढ़ोगे, चर्चा करोगे, जो आपके मन में डाउट होगा वो नोट करोगे और फिर आकर पूछोगे, इतना बढ़िया सुविधा कहाँ मिलेगा बताइए। और मैं बताऊं सर, अगर मुझे मैथ, जैसा कि मैथ मैम ने कहा मैथ को लेके, अगर मैथ के टीचर सही से मिला रहता तो आज एसएससी में नौकरी करते, क्योंकि मैथ मेरी बिल्कुल जीरो, कुछ आता नहीं है, केवल जोड़ घटा गुणा छोड़कर। तो और सबसे बड़ी चीज सामने फेस दिखता है कि किससे पढ़ना है, पता है कि मैथ नमन सर पढ़ाएंगे, आपको पता है कि आकांक्षा कुमार पढ़ाएंगे इंग्लिश, आपको पता है हितेश सर बेड़ा पार लगाएंगे रीजनिंग को लेके, जीके जीएस मेरे साथ, तो और क्या चाहिए, साथ साथ आपको दिखता है, कहीं जाना भी नहीं है। बिल्कुल, तो वही मैं जानना चाह रहा था सर कि बच्चे जो कहते हैं बार बार, और देखो हर दिन मेहनत कर रहे हैं सारे फैकल्टी, हम लोग जितना फ्री हो पाता है देते ही हैं, बस कुछ ऐसा बैच हम लेके आते हैं जिनमें हम आपसे कहते हैं कि भाई ऐसा है कि आप जो है हमारे साथ जुड़िए, और ये पेड फीस, और जब हम पेड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक और टेंशन रहता है कि मुझे एक लेवल अप जाना है, हमें एक लेवल एक्स्ट्रा जाके पढ़ाना है। तो नमन सर बहुत देर से कुछ सोच रहे हैं, कुछ बढ़िया एग्जांपल देके बच्चों को समझा पाएंगे कि अगर वो हमसे आज जुड़ते हैं, आज 9 मई को,
तो 9 मई 2021 तक में उनमें क्या डिफरेंस आएगा कि सरकारी नौकरी में होंगे या जिस भी लेवल पर हैं वहां से कहां अब पहुंच जाएंगे वो? सर एक साथ एक चीज हमारे साथ वाईफाई स्टडी के साथ बहुत टाइम से रही है और इसको बच्चे भी अप्रिशिएट करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे आपको पढ़ाते नहीं है, ठीक है, हम ऐसा नहीं कराते कि आप पढ़ो और जाओ, हम यहाँ पे आपको ना वैल्यूज भी सिखाते हैं कि चीजों की वैल्यूज क्या होती है लाइफ में, कि आपको क्या चीज सही करनी चाहिए क्या चीज सही नहीं करनी चाहिए, तो वो चीज बहुत डिफरेंस करती है आपकी सोच को, हम यहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ आपकी सोच को भी बहुत अच्छा करते हैं। तो दोस्त आप अगर कहीं जुड़ते हो हमारे साथ तो आपका ये देखिएगा कि जो आप 2 साल की अगर फीस देंगे ना हमारे 6,480, आप जब 2 साल में कह रहा हूँ पहले ही आपका सिलेक्शन, जब सिलेक्शन होकर निकलोगे ना आज के दिन में और उस दिन में खुद ही आप डिफरेंस देखोगे, और जिस दिन सिलेक्शन होगा ना वो आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो आंसू आपके खुशी के आंसू होंगे कि सर ने जो बोला था वो बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ अगर लास्ट ईयर में है तो 2 साल के लिए जुड़े, अगर तैयारी 1 साल की है तो आप 1 साल के लिए जुड़े। साथ में आपको ये बता देते हैं हम कि आप जब भी जुड़िए रेफरल कोड SSC एग्जाम ही लगाइए और उसको अप्लाई जरूर करिए, अप्लाई करने के बाद वहां पर डिस्काउंट मिलेगा और ज़्यादा देरी करना नहीं है आपको। साथ में आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, भीम, UPI, कैसे भी। अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो आप EMI भी ले सकते हैं, HDFC के कार्ड पे EMI भी ले सकते हैं, और पेमेंट करिए, आगे पेमेंट जब हो जाएगा तो आपको सारा बैच मिल जाएगा, कोई क्वेरी हो तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारा चीज़ समझ में आ गया है, देरी नहीं करिए, आज के आज जुड़िए, बैच स्टार्ट हो चुका है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, हर कुछ, और पूरे वाईफाई स्टडी पर जितने फैकल्टी हैं सबकी क्लास मिलेगी, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको नहीं रखना है, सारे लेक्चर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप हमारे बैच में जरूर जुड़ेंगे, मिलते हैं इसी तरह के अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू ऑल।